आरबीएल बैंक के नतीजे आए थे उस पर जरा बातचीत करते हैं। चौथी तिमाही में आरबीएल बैंक का मुनाफा 37% बढ़ा है, वहीं ब्याज से आय में भी 7% का उछाल देखा गया है और ये नतीजे काफ़ी बेहतर हैं जिस तरीके के परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है उसको देखते हुए। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के MD एंड CEO आर सुब्रम कुमार हमारे साथ जुड़ गए। कुमार सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे वाकई बहुत ही बेहतरीन पेश किए हैं आपने और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी एसेट क्वालिटी में भी देखने को मिला है। मेरा सवाल ये कि क्या ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा क्या, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में हमें देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड इन निम्स हासिल किए जा रहे हैं जो कि शायद अब तक किसी ने नहीं किए थे। आपका भी निम्स बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो क्या सस्टेनेबिलिटी कितनी रहेगी सर इसकी? हाँ जी, हमारा निम तो सस्टेन होगा, 5% के आसपास जरूर सस्टेन होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल में थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया है। नाउ अगर एडवांस ग्रोथ को आप देखेंगे तो आपका रिटेल में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। पहले हमारा होलसेल और रिटेल का 50-50 रेशियो में था, अभी ये साल हम लोगों ने रिटेल को 56 तक पहुंचा दिया, 54 तक पहुंचा दिया, होलसेल को 46 तक है। आगे के लिए हम लोगों का यही उम्मीद है कि हम लोग रिटेल को 60% ऑफ द टोटल एडवांसेस बुक्स ले जाएंगे, 40% विल बी इन होलसेल। सो रिटेल में आप देखेंगे तो हमारा मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। हमारा रिटेल का पहले सिर्फ क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस था, हम लोगों ने जस्ट बैलेंसिंग करने के लिए 6-7 प्रोडक्ट नया अभी लॉन्च किया है, उसमें हाउसिंग लोन, लैप लोन, ये दोनों अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस शुरू कर दिया है। Q4 में आप देखेंगे तो हमारा एक ही क्वार्टर में 900 करोड़ का हाउसिंग लोन का डिसबर्समेंट हुआ है। एंड हम लोग Q3 और Q4 का रिटेल को कंपेयर करेंगे तो हमारा रिटेल का डिसबर्समेंट डबल हुआ है, 2000 करोड़ आसपास से 4000 करोड़ आसपास हुआ है। ये तो हमारा मार्जिन का इट बूस्ट, तो हमारा कॉस्ट डिपॉजिट थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर भी रिटेल के वजह से हम लोगों ने गुड NIM कंटिन्यू कर सकते हैं। सर ये जो लोन ग्रोथ है आपकी पूरे साल के लिए, अगर हम ओवरऑल में देखें रिटेल को भी मिला के, तो वो क्या आप टारगेट लेके चल रहे हैं? अभी लास्ट ईयर में हम लोगों ने बताया था 15% करेंगे करके, हम क्लोज किया था 17% से। हम आगे के लिए मिनिमम 20% कर देंगे, रिटेल का 25% कर देंगे, और दोनों मिलकर टोटल ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ विल बी इन द रेंज ऑफ 20%। सर बहुत ही एम्बिशियस है। इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि एक महीने के अंदर या एक क्वार्टर के अंदर आपने 900 करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन दिए हैं, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहते। अच्छा ये सर लोन कहाँ है, किस ज्योग्राफी में ज्यादातर बांटे आपने, मुंबई आसपास? इट इज अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि हमारा साथ है ना RFL का ब्रांचेस भी है, 800 ब्रांचेस। इट इज अ पैन इंडिया ग्रोथ है, इट इज नथिंग टू डू विद महाराष्ट्र। सो हाँ, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि वेस्ट में जो सबसे बड़ा मार्केट है मुंबई, और इसके अलावा थोड़ा डाउन साउथ भी चले जाएं, तो लेटेस्ट जो लियासस फोरास और एनरॉक की रिपोर्ट कहती है कि अब एक ग्लट सक्रिएट हो रहा है और रियल एस्टेट में थोड़ी नरमी आ रही है। सीक्वेंसली मंथ ऑन मंथ नंबर देखिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखिए, वहां पे नरमी आ रही है, ब्याज दरों का असर पड़ रहा है। स्टिल आपको लगता है कि हाउसिंग लोन इसी तरीके से चलेगा? ये मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा मार्केट शेयर देखेगा तो 0.5% है। हम लोगों ने 0.5% का उसी में खेल रहे हैं, मतलब उसी में इवन इफ इट इज 10-15% इंक्रीज हो रहा है तो द ओवरऑल मार्केट विल नॉट डिस्टर्ब अस, हम लोगों को हिलेगा नहीं, क्योंकि वी आर अ स्मॉल प्लेयर इन दैट। हमारा एरिया वेयर वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ, उधर अपॉर्चुनिटीज इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज आर हाई है, उधर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। It will not disturb us in our plan of action for next 3 years. Okay, अच्छा सर जो लोन रिपेमेंट हो रहा है EMI में, क्या उसमें प्रिंसिपल का पोर्शन कम है, लोअर रियलाइजेशन है उसमें? दोबारा बोलिए, मैं मिस कर गया आपका। जो आपकी Q4 में जो EMIs वगैरह आ रही, जो लोन रिपेमेंट हो रहा है उसमें प्रिंसिपल का पोर्शन कम है क्या? See, आप EMI का ऐसे होता है, शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आगे बढ़ने में तो प्रिंसिपल का कम होगा, क्योंकि EMI में हम लोग यही देखा गया था उनका 70 साल तक, हमारा एवरेज एज ऑफ द बोरोयर इन द रेंज ऑफ अराउंड 30-35, उन लोगों का और 25 years का रिपेमेंट का चांसेस है, इसलिए तो साइकिल ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सिंस इट इज लिंक्ड टू द रिपो रेट, हम लोगों का इट नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर रिपेमेंट। ओके कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर्स और साल के लिए,
क्योंकि बहुत एम्बिशियस टारगेट आप ले रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अचीव हो ये, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो 20% की ग्रोथ हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गाबा सर, आरबीएल बैंक आपने सुना होगा, अभी कुमार साहब कह रहे थे कम से कम 25% की रिटेल ग्रोथ और 20% की ओवरऑल ग्रोथ हम हासिल करेंगे, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? अच्छा है, बैंकों के निवेश के लिए अच्छा है अगर करेंगे तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आती है मुझे, साइडवेज जोन पर है, हायर टाइम फ्रेम में वीकनेस है, नो डाउट अबाउट इट। ट्रेड कर रहा है 157 के आसपास, थोड़ा डिप पॉसिबल है आरबीएल बैंक में, पॉसिबल है 145 भी देखने को मिल सकता है, अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में डाउन लगता है, इट्स अ सेल आरबीएल बैंक। तो आप ही करेंगे 145 के आसपास इसमें बाई करनी चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। 145 एक जगह है जहां पर खरीदने की एक संभावना है, वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है, वहां पर थोड़ी वैल्यू बाइंग आ सकती है, फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस आरबीएल बैंक। 250 शेयर है टेक महिंद्रा के 1000 रुपए के प्राइस पर। क्या करना चाहते हैं आप सर, रखूं या सेल करूं? अच्छा, रखें या सेल करें। गावा सर बताइए क्या करें, टेक महिंद्रा को रखे रहें बेच दें? 1008 पे लिया है, 1064 मिल रहा है, अच्छा आपको मिला है दो दिनों में, ट्रेडर है आधा तो निकाल लो, बाकी 1050 पे स्टॉप लगाइए, फिर 10-10, 15-15 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप करते रहिए, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि आपको मिल सकता है 1100 भी पॉसिबल है यहां से, लेकिन 1100 में रेसिस्टेंस आएगा तो उसके पहले ही निकाल देना अगर आपको होल्ड करना है। 1100 का इंतजार मत कीजिए, 1095-1090 निकल जाएगा, नॉट नेसेसरली 1100 जो कि राउंड फिगर है, वहां पर रेसिस्टेंस आएगा। कमल जी ट्रेडर है ना आप? हां जी ट्रेडर है सर। तो भैया आधे निकाल दीजिए फिर, आधे में जो है स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिएगा इसको, क्योंकि मुझे लगता है एक बात कहूंगा अनिल जी, निवेश के लिए स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। हाँ, लेकिन ये कमल जी ट्रेडर है सर, ट्रेडर तो निकाल लो, जो मिला अपना बाकी सपना, जो मिले अपना बाकी सपना, ये बात तो बिल्कुल सही है। मनोज अग्रवाल जी वडोदरा गुजरात से, मनोज जी नमस्कार बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास गुजरात अल्कलाइन केमिकल का शेयर है, 400 नंग की क्वांटिटी बाय किया हुआ है, वह 1035 रुपए का बाय का नंग है, 2 साल हो गया सर, अब इसका क्या करना चाहिए मुझे? और दूसरा सवाल है मेरा सर जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 4000 नंग है और 156.85 का है, क्या करना चाहिए उसके अंदर? गावा सर पहले तो गुजरात अल्कलीज तगड़ा नुकसान है इनको, यस क्या करें ये? अब फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, होल्ड का रीजन ये है कि जहां से बाउंस मिला है अराउंड 600 के आसपास, वो अच्छी जगह से बाउंस हुआ, हो सकता है थोड़ा इनको और सताए, ट्रेड करा है 688 के आसपास, अगर सताएगा तो लेकिन फिर भी अपमूव मिल सकता है, जहां से अपमूव मिला वो जा सकता है करीब 800 की, आपकी कॉस्ट है 68, कितनी कॉस्ट है मुझे पता नहीं, 800 तक जाने की संभावना है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड गुजरात करीब। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।